हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ गोरी गोरी क्रीम की। ये एक स्किन लाइटनिंग क्रीम है। ये क्रीम के क्या यूजेस है, किस स्किन पर्पज़ के लिए इसका यूज किया जाता है, इसके किन लोगों को यूज़ करना चाहिए, किन को नहीं यूज़ करना चाहिए, ये सब की जानकारी आज के वीडियो में होने वाली है। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट आपके पास। गाइज, गोरी गोरी क्रीम में 15 ग्राम की पैकेजिंग में आती है। अप्रॉक्स 125 रुपीज़ में आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में इजीली मिल जाएगी। 2 साल की एक्सपायरी भी मिल जाती है आपको। ये क्रीम की बेनिफिट की बात करें तो ये स्किन का रंगत निखारने का काम करती है, स्किन के दाग धब्बे को रिमूव करती है, जो स्किन पर मेलाज्मा, हाइपर पिगमेंटेशन, काले धब्बे जो पड़ जाते हैं चेहरे पे, उसको हटाने के भी काम करती है। स्किन को ब्राइट करती है, जो एज स्पॉट्स है, फ्रेकल्स है, स्किन के जो डिस्कलरेशन हो जाती है स्किन पे, तो उसको भी रिमूव करने का काम करती है। बात करें स्किन ग्रेन की, तो इसमें यूज किया गया है हाइड्रोक्विनोन, मोमेटासोन, टेटिनोन। हाइड्रोक्विनोन स्किन के मेलानिन को कम करता है, स्किन के रंगत निखारने का काम करता है। टेटिनोन विटामिन ए का रूप है। ये मुहासे का इलाज करता है, एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है, रिंकल, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने का काम करता है, साथ ही ढीली स्किन को टाइटन अप करने का काम करता है, स्किन को यंग एंड यूथफुल बनाने का काम करता है। मोमेटासोन एक कार्डियोस्टेरॉइड है। ये सूजन, खुजली, रेडनेस को कम करता है। ये मोस्टली एक्जिमा, सोराइसिस, एलर्जी एंड रेडनेस जैसी स्किन समस्याओं के इलाज के लिए इसका यूज किया जाता है। गाइज, ये बेस्ट क्रीम है फॉर दाग धब्बों के लिए। इसे आपको नाइट में यूज करना है आफ्टर फेस वॉश। फेस वॉश करने के बाद ये क्रीम को थोड़ी सी लेके अपने फेस या फिर जहां पर आपके दाग धब्बे हैं वहां पर आप यूज कर सकते हैं। डे टाइम सनस्क्रीन का अप्लाई जरूर करें अपने फेस पे। बात करें इसके रिजल्ट की, तो गाइज काफी अच्छा रिजल्ट है, काफी फास्ट रिजल्ट है, लेकिन तब तक ही जब तक आप इसे यूज करते हो, जब तक आप ये क्रीम को यूज करोगे आपकी स्किन फेयर होगी, आपके दाग धब्बे रिमूव होंगे। ये क्रीम में रेगुलर यूज करने से स्किन को एडिक्टेड बना देती है। अगर आप ये क्रीम को छोड़ते हो तो स्किन पहले जैसी डल हो जाती है। अगर आप इससे लंबे समय तक यूज़ करते हो तो स्किन को सेंसिटिव बना देती है, स्किन पतली हो जाती है, फेस रेड रेड होने के भी चांस रहते हैं, फेशियल हेयर आने के भी चांस रहते हैं। इसलिए इस टाइप की मेडिकेटेड क्रीम का यूज करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले लेना चाहिए। साथ ही ज़्यादा दिन तक यूज़ नहीं करना इस टाइप की क्रीम का। जैसे ही आपके दाग धब्बे हल्के हो जाते हैं तो धीरे धीरे करके छोड़ देना है, एक साथ में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे करके ही छोड़ना है आपको, नहीं तो स्किन में साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो गाइज, यही थी मेरी आज की रिव्यू। आई होप आपको मेरी रिव्यू से कुछ हेल्प मिली हो, मेरी रिव्यू अच्छी लगी हो। अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।